नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक देवर ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। आरोप है कि भाभी ने देवर के दोस्तों के साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद देवर ने भाभी की गला घोटकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी लाश पर इसीलिए पानी डाला ताकि फिंगरप्रिंट्स जांच के दौरान न आए। इसके बाद शरीर पर मिट्टी भी डाली गई। इन सब चतुराइयों के बाद भी आखिरकार आरोपी देवर पुलिस की पकड़ में आ ही गया। पुलिस ने लाश के पास से देवर का मोबाइल बरामद किया जिसमें उसकी भाभी की फोटो मौजूद थी। फिलहाल पुलिस ने देवर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार 19 जुलाई को एक महिला सवेरे 8 बजे अपने खेत पर चारा लेने के लिए गई हुई थी, लेकिन देर शाम तक भी जब वह घर पर नहीं लौटी तब उसकी सास उसको तलाश करने के लिए निकली। गांव के लोगों के साथ मिलकर तलाश करते समय उसकी लाश अर्ध नग्न अवस्था में मिली। महिला के गले में उसका दुपट्टा फंसा हुआ था जिसको देखकर लग रहा था कि पहले उसके साथ दुराचार हुआ है और फिर बाद में हत्या की गई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा लिखा था, लेकिन विवेचना पर 3 लोग निर्दोष पाए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतका उसकी चचेरी भाभी थी। उसके चचेरे भाई और महिला के जेठ दोनों ही हरिद्वार में नौकरी करते थे और वह घर में अकेली रहती थी। 1.5 साल पहले उसके भाभी से अवैध संबंध हो गए थे और वह कई बार उनसे नाजायज संबंध भी बना चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महिला ने उनसे दूरी बना ली थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।